हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स जो अपना चैप्टर है उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमें लॉज देखने हैं थर्मोडायनामिक्स के, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स, और साथ में साइन कन्वेंशन आज हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं चैप्टर को और लॉज के साथ में ही शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो था क्या। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है एनर्जी के बारे में। तो ये कहता है एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय इन द सेंस दैट कि एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर जरूर हो सकती है, पर उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मीन्स सीधी सी लाइन, पूरा का पूरा लॉ एनर्जी के ऊपर बेस है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। साथ में एक लाइन जोड़ी दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी ओवरऑल एनर्जी पूरे के पूरे यूनिवर्स की हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप उसे ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं बात करूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये किसके चारों तरफ घूमता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा बात करेगा एक तो एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, और दूसरा बात करेगा कैसे रिएक्शंस जो है, कैसे जो आपकी क्या हम बोलेंगे इसके अंदर प्रोसेसेस है, वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। नहीं समझ में आया, देखो सेकेंड लॉ बोलता है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का मतलब जो प्रोसेसेस खुद होती हैं, एक बार आपने शुरुआत कर दी तो फिर वो आगे अपने आप चलती रहेंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सब की सब थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होती हैं। यानी मेन पॉइंट क्या है इसका, कि यानी सेकेंड लॉ किसके बारे में बात करता है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात करता है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं करता है। ओके, और दूसरा पॉइंट एंट्रोपी के बारे में बात करेगा। तो सेकेंड लॉ ने बोला कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं सारी की सारी इरिवर्सिबल होंगी, और जो टोटल एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। यानी कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल एंड टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहती है। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस, यानी बिखरना एक तरीके का। तो हमेशा एंट्रोपी क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। यूनिवर्स हमेशा हमेशा एक्सपेंड करता रहता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ऐसा इन्होंने कहा था। तो फर्स्ट लॉ एनर्जी के चारों तरफ घूमता है, सेकेंड लॉ इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस, और किसके बारे में बात करता है, एंट्रोपी की, यूनिवर्स की क्या है, सारी की सारी हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, ये था अपना सेकेंड लॉ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड लॉ की, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं सारी की सारी इरिवर्सिबल होती हैं, और हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होंगी उनकी एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट इस एंट्रोपी वाले फैक्टर के अंदर एक्सेप्शन होती हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस होंगी उनमें हमेशा एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट ओवरऑल जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन थी इस लॉ की कि हमेशा हर प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो उसमें एंट्रोपी बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं होता। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एंट्रोपी, यानी कि मान लिया कि कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अब एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है, आप 12th में पढ़ोगे, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होती है। यानी आपके पास एक होल था और उस होल के अंदर आपने कुर्सियां बिछा रखी हैं, एक बिल्कुल लाइन के अंदर बिछा रखी हैं। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होगा, देखो कोई भी सब्सटेंस है पार्टिकल का बना हुआ होगा, एटम का बना हुआ होगा। अगर वो पार्टिकल बिल्कुल एक रेगुलर मैनर के अंदर अरेंज है तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की एंट्रोपी को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, या बोलो क्या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, देखो डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा आपको, 0 केल्विन ज्यादा लिखा मिलेगा, क्योंकि केल्विन एक स्टैंडर्ड यूनिट है तो डेफिनेशन में हम उसका यूज करेंगे।
तो एंट्रोपी यानी किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दोगे, सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम रख देंगे, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0, यानी ठंडे पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैं फिर सेल्सियस बोल रही हूँ, 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, डिग्री भी नहीं यूज करते हैं हम केल्विन के साथ में, हमेशा सेल्सियस के साथ में डिग्री यूज होता है, केल्विन के साथ में नहीं होता है, ठीक है? तो यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है? ये बात किसने कही थी? थर्ड लॉ ने। एक तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होना चाहिए, 0 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी? 0, यानी रेंडमनेस क्या हो जाएगी उस टेम्परेचर के ऊपर? 0 हो जाएगी। ये थी हमारी थर्ड लॉ के बारे में बात, ठीक है? अब उसके बाद में देखो, इस चैप्टर के अंदर 3 स्टेप आते हैं, या तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी यानी खुद हो जाएगी, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी जो अपने आप नहीं होगी, या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम हम उस पोजीशन को बोलते हैं जब जितनी रिएक्शन आपकी आगे की तरफ जा रही है उतनी वापस जा रही है, कुल मिलाकर कि जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर बदलना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं, ठीक है? तो अब ये बोलता है, देखो डेल्टा एस, एस का सिंबल होता है एंट्रोपी के लिए, यानी रेंडमनेस के लिए, डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, इनके बारे में मैं बात करूंगी अभी। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, उससे पहले मैंने एंट्रोपी में ये कहा था कि हमेशा इंक्रीज नहीं होती है, एक आधी प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें डिक्रीज भी होती है, और वो रिएक्शंस फिर भी स्पॉन्टेनियस होती है, यानी सेकंड लॉ के अंदर कुछ एक्सेप्शंस थी भाई, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी आपके समझने के लिए मैंने चीज बोली, अब 4 एग्जाम्पल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि अगर आप एग को बॉइल करते हो, हम क्या समझेंगे? कि अगर पार्टिकल दूर दूर भाग रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी बढ़ी होगी। पर बॉइलिंग ऑफ एग, जैसे हम एग को बॉइल करते हैं तो उसके अंदर का जो लिक्विड पोर्शन होता है बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है ना, तो हम क्या सोचेंगे? भाई इसकी तो एंट्रोपी घट गई, ये तो इकट्ठे हो गए। पर नहीं, बॉइलिंग ऑफ एग के अंदर भी एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। माइसिलेशन किसको बोलते हैं? 10th क्लास में हमने पढ़ा था सॉप वाले चैप्टर के अंदर की माइसीली बनती है, जिसका क्या होता है वो इस तरीके से आगे हेड होता है, पोलर हेड होता है, पीछे टेल होती है, था ना इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। तो जब वो माइसीली बनती है तो उस टाइम पर भी एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जब आप दो चीजों को मिक्स कर देते हो तब भी क्या करती है? एंट्रोपी इंक्रीज करती है। 3 केसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। एक होता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, आपने रबर बैंड लिया और उसको आप खींचे जा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, उस केस के अंदर एंट्रोपी करती है डिक्रीज, ठीक है? उस केस के अंदर एंट्रोपी क्या करेगी? अपनी डिक्रीज करेगी। अब इस चैप्टर के अंदर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ना ही हमें याद रह पाते कि कौन से वाले हैं। तो एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? पीवीटी, पीवीटी से प्राइवेट हमने याद कर लिया, हब्स, प्राइवेट हब्स ऐसे करके है। तो पीवीटी, यहां पर पी का मतलब है प्रेशर, एक सेकेंड, पी का मतलब क्या है? प्रेशर है। वी का मतलब वॉल्यूम है, और टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर है। एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और यू को ही कई बार ई भी लिखा हुआ मिलता है। जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और एस का मतलब क्या होता है? आपकी एंट्रोपी। तो पीवीटी हब्स यानी प्राइवेट हब्स हमने याद कर लिया कि सारे के सारे क्या है, कितने फैक्टर हो गए? 7 फैक्टर है, सब क्या है? हमारे स्टेट फंक्शंस है, ठीक है? उसके बाद पाथ फंक्शंस क्या, वैसे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, ना कि जो पाथ फॉलो किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करे। पाथ फंक्शन के अंदर हमारा आता है वर्क डन यानी W, और क्यू हीट एनर्जी। तो वर्क डन और आपका हीट एनर्जी जितनी भी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई वो क्या होते हैं? हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, 2 हैं, ठीक है? उसके बाद में अब एंट्रोपी की इतनी सारी बात कर ली, तो एंट्रोपी कब निकालते हैं हम? तो एंट्रोपी के लिए प्रोसेस, अब देखो यहां पर मैंने बात करा था कहां पर, सेकेंड लॉ के अंदर भी, इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। बट अब जो फॉर्मूलेज हमारे इसके अंदर दे रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, वो एंट्रोपी निकाल रखी है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ठीक है? हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर हम एंट्रोपी के सारे फॉर्मूलाज को डिराइव किया गया है। हालांकि क्या कहता है लॉ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है? बट देखो अभी हमारे लेवल पे क्या है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो रिवर्सिबल पर ही स्टडी करते हैं। जैसे हमारी आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस में से हम पढ़ते आज भी आइडियल गैसेस को ही हैं, ठीक है? तो देखो यहां पर डेल्टा एस है एंट्रोपी, क्यू क्या है हीट एनर्जी रिलीज
या फिर एब्जॉर्ब होगी, और टी क्या है, टेम्परेचर है, या फिर आप इसे चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हो, मतलब डेल्टा टी भी लिखा मिलता है। तो जो एंट्रोपी हम निकाल रहे हैं आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये फॉर्मूला आइसोथर्मल होना चाहिए और रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा एस बराबर है क्यू रिवर्सिबल बाय में टी के बराबर। अब अगर सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो जो सिस्टम है जिसके अंदर प्रोसेस चल रही है उसके लिए हम एंट्रोपी लेते हैं प्लस का साइन लगा के और टी, यानी क्यू रिवर्सिबल बाय में टी लगा हुआ है, आगे कुछ नहीं लगा रखा, दैट मीन्स वो प्लस का साइन है, ठीक है। यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग की, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो हमेशा उनका सम जीरो के बराबर होता है, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं, ठीक वैसे ही एंट्रोपी के अंदर क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ दिया जाए तो नेट सम क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक ऐसे ही गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर भी क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग का जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आएगी प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय में टी, और सराउंडिंग की क्या हो जाएगी, हमारे माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब कि माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय में वो टी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर यहीं पर ही, ये मैंने किसका केस बता रखा है, जब आपकी हीट एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो रही थी, सिस्टम एब्जॉर्व कर रहा था, बट अगर सिस्टम क्या करेगा, अब देखो एब्जॉर्व करके आगे चला गया, एक प्रोसेस होगी, अब वापस भी तो आएगा ना कंजर्वेशन करने के लिए, तो जब वो वापस आएगा तो उस केस के अंदर, यानी जब वो हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलीज करेगा, तो जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय में टी, और सराउंडिंग की अब क्या हो जाएगी, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय में टी। तो जब हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्व करे तो सिस्टम की कैसी आती है, प्लस में क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और अगर वो रिलीज करता है तो माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, एंट्रोपी का एक फॉर्मूला और है जिसकी डेरिवेशन नहीं है बट न्यूमेरिकल्स हैं उस बेस पे। तो एंट्रोपी बराबर होती है 2.303 nRT log V2 by में V1, इसके न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं तो मैंने फॉर्मूला ये वाला बता दिया था, ठीक है। अब यहां पर मैंने डेल्टा जी की बात करी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा जी से लिखते हैं, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ये क्या है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज इन हूज वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, W का मतलब है वर्क डन, यानी एक ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वो मैक्सिमम वर्क डन के क्या होगी, बराबर होगी। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज इन हूज वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। इसीलिए अगर मैंने वर्क डन यहाँ पे यूजफुल वाला लिख रखा है तो ये मैक्सिमम वर्क डन, और ये किसके बराबर होगा, माइनस के डेल्टा जी के, क्योंकि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज करानी होती है, ठीक है, यहां तक की बात। तो माइनस डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, वो यूजफुल वर्क डन के बराबर। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है। इसको कहा जाता है गिब्स हैमिल्टोनियन इक्वेशन, जो आपके नाम नाम पढ़ लो, अभी डेरिवेशन नहीं है, वो एमएससी या फिर बीएससी लेवल पर आती है। तो गिब्स हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी माइनस टी डेल्टा एस के बराबर, यहां तक की बात हो गई। अब ये बोलता है, वो फॉर्मूला हो गया अपना। उसके बाद अब मैं फैक्टर्स पे आ जाती हूँ, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के। तो देखो जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है तो डेल्टा एस, सिर्फ एस नहीं लिखा मैंने, डेल्टा एस लिखा है, यानी चेंज इन एंट्रोपी जीरो के बराबर हो जाती है। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो के बराबर हो जाती है। डेल्टा एच ठीक है, यानी एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है इक्विलिब्रियम के केस के ऊपर। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी का साइन माइनस कब आता है, जब आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव कब आता है, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रही होती है, ठीक है, यानी कैसी प्रोसेस होती है, हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। उसके बाद वर्क डन पॉजिटिव कब आता है, वर्क डन का सिंबल जब क्या हो, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा हो, यानी उसको कंप्रेस किया जा रहा हो। वर्क डन का साइन नेगेटिव कब आता है, जब सिस्टम खुद काम कर रहा हो या फिर वो एक्सपेंड कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्यों होता है हीट एनर्जी, इसका साइन प्लस जब आता है, जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्व, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, और माइनस कब आता है, जब वो रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, ये हमारे हो गए। उसके बाद जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए कंडीशन होती है
जर्नली कंडीशन होती है एक आधे को छोड़कर कि डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एंट्रोपी हमेशा आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, डेल्टा एस का साइन प्लस का आना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो होनी चाहिए, मतलब डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन फैक्टर्स को हम देखते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी को, डेल्टा एच के साइन को हम इतना ज्यादा नहीं देखते, पर उस वो जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उससे कई बार हमें इन सबकी वैल्यूज क्वेश्चन के साथ में बताऊंगी दे रखी होगी और हमें बताना होगा कि प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। क्वेश्चन के साथ में समझ में आएगा कि क्या मैंने बोला है। अब इस सारे को मैं रफ करके करा रही हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो इसको कर देते हैं रफ। देखो लाइक पहला क्वेश्चन किसके बेस पे ले लें, हम ये वाला ले लेते हैं। जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन दे रखा है हमको कि नाइट्रोजन ने रिएक्ट करा 3 हाइड्रोजन के मोल्स के साथ में और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर है, और 2 मोल्स अमोनिया बना दिए। हमें बताना है, वैसे तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि जैसे ऑप्शंस में बताऊं तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इसका आंसर आएगा डेल्टा ई प्लस में 2RT, मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा एच को फाइंड आउट करना है फॉर्मूले में। कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी, फॉर्मूले से निकालेंगे कैसे। देखो अब हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू, हम कौन से वाला ले लेंगे यहाँ पर, डेल्टा ई प्लस में डेल्टा एन जी आरटी के बराबर होता है। वैसे तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमें पता चलेगा कि इस डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आएगा। अब जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर हमें, जैसे अगर मैं ऑप्शंस बता दूं, यहाँ पर है एक ऑप्शन है डेल्टा ई प्लस में 2RT दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दे रखा है डेल्टा ई माइनस का 2RT, इसका आंसर आएगा क्या। थर्ड दे रखा है कि डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, आरटी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके हमें इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस डेल्टा एन की वैल्यू को पुट कर रखा है इन्होंने ऑप्शंस के अंदर। तो डेल्टा एन क्या है, यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 3 इसके, और इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है। तो यानी कि डेल्टा एन मतलब कि प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट के मोल्स अपने कितने आ गए, प्रोडक्ट में 2 थे, रिएक्टेंट के अंदर 4 थे, मतलब कि -2 आ गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर हमें क्या पुट कर देना है, -2। अब देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो हम फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर सॉल्व कर देंगे। ठीक, ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का नहीं पर गिब्स फ्री एनर्जी से भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जो है अपना, मैंने मार्क किया हुआ है। देखो अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच प्लस में टी डेल्टा एस के बराबर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ C8H18 यानी कि ऑक्टेन है, इसको हमने बर्न करा 5 मोल्स ऑफ O2 के साथ में और प्रोड्यूस करे 16 मोल ऑफ CO2 एंड 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो बताओ यहाँ पर आपके डेल्टा H का साइन क्या होगा, डेल्टा S का साइन क्या होगा और डेल्टा G का साइन क्या होगा। अब देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ जल रहा है और CO2 और वाटर बन रहा है, तो कंबंशन हो रहा है, कंबंशन में हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होएगी, तो डेल्टा एच का साइन तो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व ना भी करूं तो मुझे इतना पता है कि एंट्रोपी का साइन क्या आना चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो क्या आना चाहिए, प्लस का। गिब्स फ्री एनर्जी का कैसा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन में हमें कंबंशन पता लगाना था इसके अंदर कि भी अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करें तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, अच्छा जी एंथैल्पी वाला दे रखा है इन्होंने, लाइक ए क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह के जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें
नॉर्मली क्वेश्चन पेपर के अंदर या किसी भी बुक के अंदर हमेशा एक मोल की वैल्यू दे रखी होती है। जब तक वो ना लिख कर दे हम मान के चलेंगे स्टैंडर्ड बोल रखा और एक मोल की वैल्यू दे रखी है। जैसे इन्होंने बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच एंथैल्पी हो गया और फॉर्मेशन था तो मैंने एफ लिख दिया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमें किसकी दे रखी है यहाँ पर, इथीन की है 52 किलो जूल पर मोल, CO2 की कितनी दे रखी है -394 और वाटर की है -286। ठीक है, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ इथीन। ओके, इथीन की कैसे निकालेंगे? अब देखो, हमेशा हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ भी निकालना हो, रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट करते हैं। बट देखो, इसकी कन्वेंशन करानी है, हमें कुछ रिएक्शन नहीं दे रखी तो हमें खुद से उसको लिखना पड़ेगा। कि यानी कि जब C2H4 इथीन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तभी तो जलेगा, क्या बनाएगा, CO2 एंड वाटर। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे दो मोल्स है तो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए पर यहाँ तो 2 हो गए। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाए। ओके, हमारे पास में 5 ऑक्सीजन हो गए हैं तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यानी कि मैं इसको रफ करके कितना कर दूं 3 कर दूं। बैलेंसिंग तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब पुट करते हैं, हमें करना है प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट। तो CO2 की कुछ नहीं बोल रखा यानी 1 मोल की दे रखी है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में -394, पहले प्रोडक्ट की होगी, फिर है वाटर की 2 मल्टीप्लाई में -286 हो गया। ये तो किसकी आ गई, हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गई। रिएक्टेंट की निकाल लेंगे, कुल मिला के हमें माइनस ही करनी है या अलग अलग कर लो। देखो, अब मैं सोचिए इसमें से रिएक्टेंट की माइनस करनी है तो माइनस का साइन लगा के और ब्रैकेट लिख लूंगी। तो इथीन की एक ही मोल है, ऑक्सीजन नहीं दे रखा तो हम स्किप कर देंगे उसे, एक ही मोल है तो क्या कर देंगे माइनस का 52। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है, ओके। पानी पीना पड़ेगा चौक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपा को, ये वाला तो हो गया। उसके बाद है, हाँ, एक इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत, बस ये याद रखना कि रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक इस टाइप के दो कराऊंगी मैं, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करकर CO2 बनाता है। फिर सेकेंड इक्वेशन दे रखी है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करकर 2 मोल्स ऑफ CO2 बनाते हैं। फर्स्ट केस के अंदर जो आपकी एंथैल्पी है वो है माइनस का एक्स किलो जूल, सेकेंड केस के अंदर दे रखी है माइनस का वाई किलो जूल। अब आपको किसकी निकालनी है, क्वेश्चन वाला ये बोलता है कि फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, भी कैसे निकालोगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे बनाना है। ठीक, अब यहां पर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर CO2 बन रहा है, सेकंड में भी CO2 बन रहा है, पर मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखो क्योंकि तब क्लियर होगा। तो इसके ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं y माइनस का 2x फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड दे रखा है 2x माइनस का y, 2x माइनस का y, थर्ड दे रखा है y माइनस 2xy का 2 और लास्ट दे रखा है 2x माइनस का yy का 2। ये अपने 4 ऑप्शंस हैं। तो इस फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है। तो जब मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो इसको कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। देखो, फर्स्ट को अगर मैं लिखूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से अपना आंसर शुरू हो गया है, CO2 बना रहा है, ठीक है भाई, माइनस एक्स निकल रहा था यहाँ पे हीट एनर्जी। अब इस प्रोसेस को मैं पलट दूंगी, पलटते ही ये क्या हो जाएगा, 2 CO2 बना रहे हैं, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहां तक की बात हो गई ना अपनी। देखो, अगर मैंने इसको क्या करा, रिवर्ट करा, तो यहाँ पे माइनस का साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा मुझे तो दो मोल नहीं बनाने कार्बन मोनोऑक्साइड के, एक ही बनाना है। जब तक उसने नहीं बोला तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम एक ही निकालेंगे। एक ही निकालने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगी, यहां 2 से डिवाइड करा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा यहां पे हमारा, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ऐड करोगे आप। तो देखो यहां पर क्या है, जब अपोजिट साइड पर है, या आप इसको लिख कर देख लो अगर ऐसी कंफ्यूजन होती है तो, यहां पर हमने इसको लिखा, इधर बन गया अपना CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा आपका, O2 से O2 कैंसिल हो गया बोथ साइड, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, क्या बचा कि कार्बन आपका बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, हो गया ना कन्वर्ट, ऐसे ही तो आएगा। अच्छा ओए, हमने इसको 2 से डिवाइड भी तो किया था, तो यहाँ पे O/2 है, तो O/2 है इधर, तो यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस वाली साइड पे O2 यहाँ पे है, हाफ O2 यहाँ पे है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, इधर आके -1/2, तो कार्बन, इधर लिख देती हूँ ये दिख रहा होगा, तो बचेगा कार्बन प्लस का हाफ O2 और ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक मोल है और यहाँ पे 1/2 है, तो उधर माइनस हो जाएगा। अब मैंने इन इक्वेशन को ऐड कर दिया, फर्स्ट वाले की x एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी और दूसरे की y/2, तो मैंने ऐड करा ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, x प्लस में y/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखो मेरा है उस फॉर्म में, इसका फोर्थ ऑप्शन देखो एलसीएम लेके लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस में y/2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आता तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इस टाइप का ही क्वेश्चन देखू या फिर कोई दूसरे वाला देखते हैं, तो ये रहा थर्मोडायनेमिक्स, ओके ठीक है, इसमें भी रिवर्स ही कर रखा है इन्होंने। ठीक है नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम, ऐसा नहीं से अलग कर लेते हैं, ये वाला देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 moles कोई आइडियल गैस थी जिसका टेम्परेचर दे रखा है 27 degrees Celsius और इसको रिवर्सिबली आप एक्सपेंड कर रहे हो 2 liter, पहले इसकी इनिशियल वॉल्यूम दे दी और फाइनल वॉल्यूम दे दी 20 liter, तो आपको निकालना है कि चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी अगर आर की वैल्यू 2 calorie per mole Kelvin दे रखी है, ठीक है। अगर याद हो तो हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर एक फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा एस बराबर होता है 2.303 nRT और यहाँ पे मैंने लिखा था log V2/V1 लिखा था। अब मुझे देखो n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, 2 दे रखे हैं, V2 फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, V1 इनिशियल दे रखी है, एंट्रोपी मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303, आर की वैल्यू क्या है अपनी दे रखी है हम लोगों ने 2, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर सेल्सियस में कभी मत पुट करना, इसको पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 के अंदर जो भी टेम्परेचर उसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपना ये 300 केल्विन, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 300, फिर है लॉग, फाइनल वॉल्यूम है 20, इनिशियल कितनी थी 2, तो ये तो कैंसिल हो गए, कितना बच गया 10, और लॉग 10 होता है 1 के बराबर, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2.303 × 300, ठीक है। तो ये सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा, यानी 600 × 2.303, तो 600 × 12 किससे आ जाएगा 1200 से ऊपर आंसर आएगा, मतलब 1200 से ऊपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में है तो हम डायरेक्ट भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आंसर आएगा अपना, ठीक है ओके। नेक्स्ट दे रखा है हमको, अरे मैंने इसमें एक चीज गलती कर दी भाई, एंट्रोपी वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा, इसको ठीक कर लो भाई, टेम्परेचर नहीं आएगा, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 nR log V2/V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.303
303, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, आर की वैल्यू भी 2 थी, और यहाँ पे क्या आ गया था, लॉग 20 बाय का 2, मतलब कि 10, लॉग 10 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 2.303 इंटू में 4 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 3s are 12, और 4 2s are 8 or 9, यानी 9.212 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, उसके अलावा आते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी निकलवाए, एंट्रोपी या कुछ भी, हमेशा क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेड करना है। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, मोलर हीट कैपेसिटी को मैं क्या लिखूंगी, सीएम किसके बराबर होती है, क्यू बाय में एन डेल्टा टी के बराबर, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं रिवाइज कराऊं तो नॉर्मल अगर आपको बोल रखी है क्या हीट कैपेसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट बोल रखी है तो क्यू बाय में एम, यानी कि गिवन वेट मल्टीप्लाई में डेल्टा टी, और मोलर हीट दे रखी है तो क्यू अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, यानी सीएम की वैल्यू दे रखी है 75, द मोलर हीट कैपेसिटी of water at the constant pressure is this, when कितनी heat energy को supply किया जा रहा है 1 kilojoule को, और कितना weight दे रखा है water का, weight दे रखा है, moles नहीं बता रखे, बस 100 gram weight दे रखा है। हमें यहाँ पर निकालना है change in temperature, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात molar heat capacity बोल रखी है और हमें दे रखा है only weight, तो इसको किस में convert करेंगे, number of moles के अंदर convert करना पड़ेगा, तो बस डायरेक्ट मत पुट करना क्योंकि गड़बड़ी यहीं पे ही हो जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास है 100, मोलर मास होता है 18, तो कितना आ जाएगा ये 500 बाय में 9, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, सी हो गया, सी कितना दे रखा है हमें 75, क्यू कितना था अपना, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब 1 kilojoule, यानी कि 1000 joule हो गई। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 500 बाय 9, तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, डेल्टा टी हमको निकालना है, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में फिर हम क्या करें, डेल्टा टी निकालने के लिए ये हो जाएगा 18 बाय में 75 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके ठीक है। बट एस तो ये आ जाएगा अपना पॉइंट के अंदर आंसर, ठीक। तो अच्छा या तो हमने देखो 500 क्यू 50 तो आएगा, तो हो जाएगा 50 बाय में 9, तो यहाँ पे बचेगा आपका 20, यानी कि 180 बाय में 75, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आप आगे चलते हैं, ये वाला हो गया अपना। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्टली यहीं से ही अपने क्वेश्चंस आते हैं जो कि कवर हो गए हैं, ठीक है।